दोस्तों एक समय था तब हम फोटो एडिटिंग अपने मोबाइल के अंदर नहीं कर सकते थे, लेकिन आज के समय में हम बहुत ही अच्छी तरीके से फोटो एडिटिंग अपने मोबाइल में ही कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एंड्रॉयड ऐप्स और आईओएस बेस्ड ऐप्स आ चुके हैं फोटो एडिटिंग वाले अपने मोबाइल के अंदर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 एंड्रॉयड फोटो एडिटिंग ऐप्स के बारे में बताऊंगा, जिनको आप यूज़ करके बहुत ही अच्छी तरीके से फोटो एडिट कर पाएंगे। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है आदर्श, आप देख रहे हैं एडिटेक। आप हमारी चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा लीजिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजिकल वीडियोज देखने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरे लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है स्नैपसीड, जो कि 23 MB का है और इसका जो स्टार है वो 4.5 स्टार इसका रेटिंग है। दोस्तों तो आप इसको डाउनलोड करके अच्छी खासी फोटो एडिटिंग इधर कर सकते हो। आपको सभी ऐप्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों चलिए दूसरी ऐप के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है फोटो एडिटर प्रो, जिसके बारे में बहुत लोगों को ऑलरेडी मालूम है लेकिन आपने अभी डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करके एक बार ज़रूर इसको ट्राई करिए। बहुत ही फैंटेस्टिक ऐप है, 12 MB का ऐप है, 4.8 स्टार इसका रेटिंग है। दोस्तों चलिए तीसरे ऐप के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है अडोब लाइट रूम। दोस्तों इसके बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। थोड़ा इंटरफेस थोड़ा सा अच्छा नहीं हो सकता है और कुछ लोगों को अच्छा भी लग सकता है, तो वो डिपेंड करता है आप किस टाइप के आपका माइंडसेट है। दोस्तों तो ये भी बहुत ही अच्छी तरीके का ऐप है, 86 MB का ऐप है। दोस्तों 4.3 स्टार इसका रेटिंग है, क्योंकि इसका थोड़ा इंटरफेस जो है वो कुछ लोगों को अच्छा लगता है और कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। चलिए हम चौथी ऐप के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है PixLR, जिसके बारे में बहुत सारे लोग को मालूम होगा ऑलरेडी लेकिन आपने अभी डाउनलोड नहीं किया है तो इसको भी एक बार आप डाउनलोड जरूर कर सकते हैं। दोस्तों केवल और केवल 27 MB का ये ऐप है, इसको भी 4.3 स्टार्स का रेटिंग है। दोस्तों जो हमारा पांचवा ऐप है वो बहुत ही फेमस ऐप है, बहुत सारे लोग इसको यूज़ भी करते हैं, जिसका नाम है PixArt। दोस्तों PixArt के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। PixArt बहुत ही फैंटास्टिक ऐप है, लेकिन जो बीच में एड्स आते हैं और PixArt प्रो वर्जन आप ले लीजिए तो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा मुश्किल कर देता है जब हम फोटो एडिटिंग करते हैं। दोस्तों तो PixArt भी एक अच्छी ऐप है लेकिन मेरे को उतना अच्छा वो नहीं लगता है। ये 38 MB में आपको मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है, 4.2 स्टार्स इसका रेटिंग है। दोस्तों चलिए सिक्स्थ नंबर पे कौन सा ऐप आने वाला है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सिक्स्थ नंबर पर है पिक्सल लूप नामक एक ऐप है, जो कि फोटो एडिटिंग ऐप है। इस ये आपको 19 MB में मिल जाएगा। दोस्तों इसका जो रेटिंग्स है वो 4.4 स्टार से। पिक्सल लूप भी एक बहुत ही बढ़िया इधर ऐप है दोस्तों फोटो एडिटिंग के लिए। सभी ऐप्स के डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर लिंक मिल जाएंगे। दोस्तों सेवन्थ नंबर पर हमारे पास है फोटोर ऐप, जो कि एक पीसी के लिए बहुत ही बढ़िया फोटो एडिटिंग ऐप है, लेकिन एंड्रॉयड के लिए भी लॉन्च करा है इधर फोटोर ने, तो इसको भी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। केवल और केवल 65 MB का फाइल ऐप है और 4.5 स्टार्स इसका रेटिंग है। दोस्तों चलिए अब हम अगली ऐप के बारे में जानते हैं, जो कि ये 8th नंबर पर आने वाला ऐप है, जो जिसका नाम है फोटो ग्रिड, जो कि 32 MB का ऐप है और 4.7 स्टार इसका रेटिंग है। दोस्तों मतलब रेटिंग थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब बहुत सारे लोग यूज़ करे होंगे और अच्छी खासी ऐप भी होगा। दोस्तों आप भी एक बार ज़रूर इसको ट्राई करके देखिए। चलिए नाइन्थ नंबर पे कौन सा ऐप आने वाला है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों नाइन्थ नंबर पर मेरे लिस्ट में आता है लाइट एक्स नामक एक ऐप है, फोटो एडिटिंग ऐप, जो कि 19 MB वाला ऐप है, 4.5 स्टार्स इसका भी रेटिंग है। दोस्तों इसको भी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। दोस्तों जो 10वीं नंबर पर जो मैं आपको ऐप बताऊंगा, जो कि एक सेल्फी के लिए अच्छी खासी ऐप है, B612 सेल्फी कैमरा, जिसके बारे में आप सभी लोगों को मालूम होगा। अगर मालूम नहीं है तो बिल्कुल एक बार ज़रूर ट्राई करिए। 97 MB का ऐप है, 4.3 स्टार्स इसका रेटिंग है। दोस्तों तो दोस्तों ये सभी 10 ऐप्स बहुत ही शानदार है, सभी 10 ऐप्स आपको 4 स्टार्स के आगे रेटिंग वाले ही है। दोस्तों सभी जो
10 ऐप्स है और 100 MB के बिलो रहने वाले ऐप है, सभी 10 ऐप्स है दोस्तों। मतलब 100 MB के आपको अबो इधर कौन से भी ऐप्स नहीं है इन 10 ऐप्स में से। इन सभी ऐप्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेंगे और ट्राई करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये ऐप्स कैसे आपको लगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजिकल वीडियोज़ देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।